द एस्केप सीक्वेंस, ये स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो आउटपुट की लुक को कंट्रोल करते हैं। ये आम तौर पे ख़ुद आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होते। एस्केप सीक्वेंस शुरू होती है बैक स्लैश से और उसके बाद कोड करेक्टर आता है। इसको एस्केप सीक्वेंस इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल वे जिसमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ऑपरेट करना होता है, ये उससे हट कर काम करता है। जैसे कि न्यू लाइन से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी हो तो बैक स्लैश एन, एक अदद टैब लगाना हो यानी एक स्मॉल जंप फॉरवर्ड टू सेम लाइन करनी हो तो बैक स्लैश टी, या कोई स्पेशल करेक्टर प्रिंट करना हो जैसे कि कॉमा या इनवर्टेड कॉमास, इसी तरह बैक स्लैश ए से अलार्म साउंड आएगी जैसे कि टू, बैक स्लैश बी से बैक जाएगा कर्सर वन पोजीशन, बैक स्लैश आर से रिटर्न हो जाएगा टू स्टार्ट ऑफ द सेम लाइन, और अगर स्क्रीन पे बैक स्लैश ही प्रिंट करना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर डबल बैक स्लैश यूज़ करेंगे। सपोज़ करें हम ये सी आउट कमांड में लिखे हुए दो मैसेजेस स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो जब ये कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी तो आउटपुट सिंगल लाइन पे नज़र आएगी, मगर हम चाहते हैं कि आउटपुट टू लाइंस में नज़र आए, तो ऐसे में बैक स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है ताकि कर्सर को नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग पे लाया जाए। जैसे कि ये, इसमें दोनों लाइंस के स्टार्ट में बैक स्लैश एन यूज़ किया, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहली लाइन के एंड पे भी बैक स्लैश एन डाल दिया, इससे भी यही आउटपुट मिलेगी। इसी तरह दो सी आउट स्टेटमेंट्स की जगह सिंगल सी आउट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बीच में मैंने बैक स्लैश एन यूज़ कर लिया है, तो काफ़ी वैरायटी है आपके पास ऑप्शंस हैं। इसी तरह बैक स्लैश टी एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया जाता है ताकि 8 कैरेक्टर्स के गैप के बाद अगला वर्ड प्रिंट हो, ये सिमेट्री के लिए अच्छा लगता है। जैसे कि ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, तो इसकी आउटपुट इस तरह से आएगी। लफ्ज़ सी प्लस प्लस में बताते खुद 3 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद 5 स्पेसेस दी जाएंगी। फिर अगला देखें इस में 2 कैरेक्टर्स हैं, तो इसके बाद 6 कैरेक्टर्स का गैप दिया जाएगा। ए में 1 कैरेक्टर है, इसके बाद 7 कैरेक्टर्स का गैप देंगे। हाई में 4 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद 4 कैरेक्टर्स का गैप मिलेगा। लेवल में 5 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद 3 कैरेक्टर्स का गैप मिल जाएगा। लैंग्वेज में टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद अगर टैब देते हैं तो पूरे 8 स्पेसेस का गैप दे के नेक्स्ट वर्ड प्रिंट होगा। इसी तरह और भी कुछ एस्केप सीक्वेंस हैं जिनका यूज़ आप इजीली कर सकते हैं। स्टडी विद मी, अ लर्निंग एक्सपीरियंस।